पंजाब में नागालैंड से अमृतसर एक होटल में काम करने के लिए आई 9 लड़कियों को घर में ही बंधक बना दिया गया, क्योंकि उन्होंने घर के मालिक को उनका बनता हुआ किराया नहीं दिया था। इन लड़कियों से जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी उनके मकान मालिक घर में बंधक बनाकर उन्हें रख चुके हैं। जहां समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से पुलिस मौके पर वहां पहुंची और लड़कियों को घर से ताला खोल छुड़वाया गया, और इसी मौके पर हमारी टीम भी वहां पहुंची और वहां मौजूद समाज सेवी संस्था और पुलिस से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अब इन लड़कियों को सही सलामत रखने के लिए इसकी जिम्मेदारी समाज सेवक संस्था सुमंता दास विशप को दी गई है, जिन्होंने लॉकडाउन के बीच लगातार इन लड़कियों को खाना पीना दिया और उसके बाद गैस सिलेंडर और राशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि लड़कियां नागालैंड की हैं। आखिरकार उन्होंने पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन लड़कियों को अपने स्कूल के गेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया है, जहां इन लड़कियों को तब तक रखा जाएगा जब तक ये अपने घर प्रशासन के द्वारा नहीं पहुंचा दी जाती। अब कैसा लग रहा है? अभी बहुत सेफ्टी लग रहा है। खुश हैं आप? थैंक यू। ये है कि ये नागालैंड से काफी बच्चे यहाँ अमृतसर में काम करते थे और ये लड़कियां जो है वो होटल हम्बलूना में काम करते थे, तो जब लॉकडाउन हो गया तो इस जगह पे थे, तो जो घर का मालिक था पहले भी एक बार ऐसे किया था कि बाहर से गेट में ताला लगा दिया था और कल फिर से ऐसे हुआ। फिर हम थाना इंस्पेक्टर साहब को बताया, उन्होंने तुरंत आए और फिर इंटरवीन किया, तो सारे प्रशासन की जो मदद हमें मिली और उन्होंने रात तक बैठ कर सब कुछ मैनेज किया, और उनकी जो पेंडिंग सैलरी थी 2 महीने की वो भी मिल गई, और अभी जो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलना है वो भी दिलवा देंगे। बाकी उनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम यही हमारे बच्चे हैं और अभी एक स्थिति में है, तो हम चाह रहे हैं कि उनको हमारे जो एकोमोडेशन है अलेक्जेंडर स्कूल में क्वींस रोड पे वहीं पर शिफ्ट करेंगे, और जब तक ये नागालैंड वापस नहीं जाते हैं तब तक उनका देखभाल करेंगे। पंजाब के लुधियाना से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लुधियाना के सुंदरनगर के लोहारा रोड में रहने वाली एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि ससुराल वाले दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करते हैं और उससे देह व्यापार करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा महिला ने कहा कि जब आज घर पर कोई भी नहीं था तो मौका देख कर घर से मैं भाग निकली। इसके बाद महिला डाबा थाना में शिकायत करने के बाद लुधियाना वासियों और महिला आयोग से बचाने और मदद की गुहार लगाने गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला का कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मेरी शादी को भी 1 साल हुआ है, मेरे को पता नहीं था कि ये सब ये काम करते हैं। ये जब मैं इनके घर में गई तो मुझे पता चला ये धंधा करते हैं। फिर मेरे को टॉर्चर करते थे कि तू दहेज में कुछ नहीं लेके आई तो हमें पैसे दे, हमें धंधा करके दे, नहीं करेगी तो तेरे साथ ऐसे दुर्व्यवहार किया जाएगा। और जब मैं मना करती हूँ तो मेरे साथ ऐसे मारपीट करते हैं, मेरे गुप्त अंग पे लात मारते हैं, मौसी चीज पे बुरी तरह मारते हैं। मैं पुलिस थाने गई, वहाँ पे मैंने रिपोर्ट लिखवाई। मुझे बस इंसाफ चाहिए, इतनी सी विनती है मेरे, मुझको इंसाफ दिया जाए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राजस्थान के कोटा शहर में महावीर नगर थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। रंगबाड़ी इलाके में पिछले 5 दिन में 4 चोरियां हो चुकी हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस चोरों को पकड़ना तो दूर, मामले की जांच तक नहीं कर रही है, जिसके फुटेज तक पुलिस को उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इन 4 चोरियों में चोर घरों के ताले तोड़कर करीब 10 लाख से ज्यादा का माल चुरा कर ले गए। जानकारी के अनुसार रंगबाड़ी सेक्टर 1 निवासी नारायण गुर्जर ने बताया कि लॉकडाउन में अजमेर गए थे। 15 मई को आकर उन्होंने देखा तो चोर मकान का ताला तोड़कर अलमारी से सोने चांदी के आभूषण और अन्य वस्तुएं लेकर चले गए हैं। वहीं आसपास रहने वालों ने बताया कि चोर स्कूटी पर आया था और उसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। रंगबाड़ी योजना क्षेत्र में जब से लॉकडाउन हुआ है, अभी 4-5 दिनों के अंतराल में अज्ञात लोगों के द्वारा, जो लोग अपने गंतव्य स्थान से अपने गाँव गए हुए हैं, उनके घरों में रात में 12 से 2 के बीच में आते हैं अज्ञात लोग,
एक मकान में 7 लाख की चोरी हुई है, एक में 2.5 लाख की हुई है, एक में दिन में सिलेंडर ले गए हैं और रेगुलर रंगबाड़ी क्षेत्र में चोरों का आतंक बना हुआ है। लॉकडाउन के चलते पुलिस की गश्त कैसी हो रही है? पुलिस गश्त लॉकडाउन के समय अभी हो रही थी भाई, अभी 4-5 दिनों से पुलिस गश्त नहीं हो पा रही है क्षेत्र में और हम आज सीआई साहब से भी मिलेंगे इस मामले में कि वो रात्रि के समय गश्त बढ़ाई जाए। पंजाब में जहां अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में 2.5 महीने के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि बच्चा कोरोना पॉजिटिव था और अमृतसर की नई आबादी का निवासी था। इस 2.5 महीने के बच्चे का कोरोना टेस्ट कराया गया जिसके बाद उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। रिपोर्ट आने के कुछ समय बाद ही बच्चे की मौत हो गई, जिसकी पुष्टि खुद अस्पताल के डॉक्टरों ने की है। बच्चे के इस तरह कोरोना पॉजिटिव निकलने और उसकी मौत से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया।